दोस्तों, एस एल गुरु जी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अजीब मंत्र लेकर आया हूँ जो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों और लड़कों के लिए है। जी हाँ, स्त्रियाँ न करें इस टोटके को, क्योंकि उनके लिए नहीं है, केवल और केवल पुरुषों के लिए है। इससे आप किसी भी लड़की या स्त्री को आसानी से अपने वश में कर सकते हैं, तो इस बात का खास ख्याल रखें। मित्रों, आज का प्रयोग बहुत ही सरल है और बहुत ही खास है। इस तरीके से अगर आप पूर्ण विधि को जिस तरीके से बताया जाएगा उस तरीके से कर लेते तो आप उस स्त्री या लड़की को वशीभूत कर सकते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं। लेकिन इस कार्य की सबसे अद्भुत बात यही है और सबसे बड़ी चेतावनी भी है, वह कि मन सच्चा, भाव सच्चे, इच्छा सच्ची, लगन सच्ची, प्रेम सच्चा। इन बातों का खास ख्याल रखें और इस कार्य को शुरू करने से पहले आपको 8 दिन पहले शराब मांस किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करना है। मांस मच्छी शराब अंडे का सेवन बिल्कुल नहीं करना, और विधि के पूर्ण होने के बाद भी आपको 8 दिन तक शराब मांस मच्छी का प्रयोग नहीं करना, और इसके साथ 21 दिन आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। वही लोग इसे करें जो 21 दिन ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं, अन्यथा जिन लोगों से नहीं हो पाएगा वह न करें। आगे बढ़ने से पहले मैं कहूंगा, एस एल गुरु जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके में मंत्र बता पाए। करना क्या है आपको, मात्र चावल के 7 दाने चाहिए और सरसों का तेल चाहिए। जी हाँ, सरसों का तेल और चावल के दाने आपको चाहिए। जी हाँ मित्रों, आपको इस कार्य को शनिवार की रात्रि को करना है, 11:11 पे शुरू करना है। इस बात का खास, शनिवार की रात्रि को 11:11 पे शुरू करना है। उस स्त्री उस लड़की की घर की दिशा की तरफ आपको आसन लगा कर, यानी कि उस दिशा में उसका शहर, गांव या घर है, मोहल्ला है, उस दिशा में आपको अपना मुख करके बैठना है। आप अपने घर की छत पर बैठे, खुले आसमान की छाया में बैठे, कमरे में बंद होकर नहीं बैठना। इस बात का खास ख्याल रखें। आप आंगन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन ऊपर खुला आसमान होना चाहिए। ध्यान आपका केंद्रित होना चाहिए, उसी के बारे में विचार चलने चाहिए, और इस चावलों में से एक दाना लेना है, अपने सर के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ही एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र मैं आपको बता दो, ओम ह्रीम क्रीम मम वश्यम मम वश्यम कुरुमे स्वाहा। मंत्र में एक बार फिर से पढ़ लेना, ओम ह्रीम क्रीम मम वश्यम मम वश्यम कुरुमे स्वाहा। जैसे 11 बार मंत्र का उच्चारण हो जाता है, आप इसको इस तेल के अंदर डाल दें। इसी तरीके से फिर से आपको एक चावल का देना लेना है, 11 बार मंत्र का उच्चारण करना है, अपने सर के ऊपर से घुमाना है, फिर इस तेल के अंदर, सरसों के तेल के अंदर डाल देना। तेल सरसों का ही लेना है। इस तरीके से 7 चावल आप अपने सर के ऊपर से घुमा कर इसके अंदर डाल दें, और डाल देने के बाद आप इसे रख दें इस तेल को, और फिर अगले दिन ऐसे ही करना है। मतलब 3 शनिवार आपको इसी तरीके से 11:11 पे इस तरीके से करना है। साथ में साथ 3 दिनों में आपके 21 दिन भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 21 दिन के दौरान ही आपको 3 शनिवार आप बना लें, एक शेड्यूल बना लें जिसके अंदर 3 शनिवार, 21 दिन आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना, उसी के बीच आपको इन 3 आने वाले 3 शनिवार के भीतर आपको करना है। कर देने के बाद आप इस तेल को संभाल कर एक कांच की शीशी में डालकर रख लें। अब आप जब भी उस स्त्री से, उस लड़की के सामने जाएं, उसे अपने दिल के भाव की बात करने जाएं, जब वह किसी प्रकार के, तो वह तेल अपने सर पे नहा धोकर स्नान करके स्वच्छ अंदर कपड़े पहनकर उसे अपने सर पे और अपने गुप्तांग पे लगा कर जाए। जी हाँ मित्रों, थोड़ा थोड़ा सर पे अच्छे से लगाना, और जब उसके सामने उसकी आंखों में देखकर मन ही मन इसी मंत्र का जाप करें। मैं कहता हूँ वह भावुक इच्छित हो जाएगी आपसे बात करने के लिए, आपकी हर बात सुनेगी वह ध्यान से, दिल से, जैसे कि आप उसे बताना चाहते हैं। ये एकदम सच्चा प्रयोग है, लेकिन अच्छे के लिए करें। किसी की बहन बेटी का फायदा उठाने के लिए करेंगे तो ये कदापि कार्य नहीं करें। और जिसके प्रति भावना सच्ची होगी वह ये मंत्र और आपका ईश्वर अपने आप भांप लेता है कि आपके मन के भाव क्या से। अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकर चाहते हैं, मुझे कॉल भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया है। इसी साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।